नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं सोनल शर्मा। अगर करना चाहते हैं स्मार्ट ट्रेड तो रहना होगा बाजारों से अपडेटेड। उसके लिए जरूरी है बाजारों की हर खबर पर नजर, जो मिलेगी आपको हमारे साथ, क्योंकि यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी खबरें जो जुड़ी हुई है आपसे, आपकी जेब से। तो जबरदस्त सेक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लेकर आए हैं पूरे हफ्ते के बाजारों के हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आईपीओ मार्केट्स के लिहाज से ये हफ्ता काफी एक्शनेबल वीक साबित हुआ, क्योंकि इस हफ्ते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 9 नए आईपीओ बाजारों में इंट्रोड्यूस हुए। अगर पूरे साल की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले अभी तक बाजार 700% से ज्यादा की रकम आईपीओ के जरिए जुटा चुका है। और जो सबसे ज्यादा रकम जुटाने वाली जो कंपनी बनी वो बनी वोडाफोन आइडिया की कंपनी, जिसने करीब 18,000 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए इस साल जुटाए हैं। हालांकि अभी साल खत्म होने में 4 महीने और बाकी है, तो देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले 4 महीनों में बाजार और कितना फंड आईपीओ के जरिए इकट्ठा करता है। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर आ रही है इंटरटेनमेंट सेक्टर की तरफ से। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी और भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में टाइप की खबर है। वॉल्ट डिज्नी की एक जो यूनिट है, इंटरटेनमेंट यूनिट, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक इंटरटेनमेंट सेगमेंट के बीच में विलय होने वाला है। और इस विलय के पीछे की सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है कि जो भारत में विदेशी चैनल फिलहाल जो चल रहे हैं, इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, उनको टफ कॉम्पिटिशन देने के लिए ये नई चैनल बनाई जा रही है। और इस जो नई कंपनी रहेगी, इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा 70,000 करोड़ से ज़्यादा का। और इसकी जो चेयरमैन रहेंगी वो रहेंगी नीता अंबानी, और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वो रहेंगे उदय शंकर। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो नई कंपनी है वो विदेशी चैनलों को कितना टफ कॉम्पिटिशन दे पाती है। जानते हैं पूरे हफ्ते के बाजारों के हाल। बाजारों ने रिकॉर्ड ऊंचाई के जरिए तो काफ़ी सारे नए रिकॉर्ड्स बनाए ही बनाए, बल्कि इसके अलावा बाजारों ने एक और यूनिक रिकॉर्ड बनाया। और वो रिकॉर्ड ये था कि बाजार लगातार 12वें दिन हरे निशान पर बंद हुए। और अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते की बात की जाए तो इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही करीब 1.5% से ज़्यादा चढ़ करके बंद हुए। इस हफ्ते के जो रिकॉर्ड परफॉर्मर रहे वो रहे भारतीय एयरटेल, एक्सेल टेक, विप्रो जैसे स्टॉक्स, जो कि 5 से 6% तक चढ़ करके बंद हुए। वहीं जो कमज़ोर स्टॉक्स रहे वो रहे कोल इंडिया और ग्रैसिम जैसे स्टॉक्स, जो कि 1 से 2% तक लुढ़क करके बंद हुए। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में पिछले कुछ हफ्ते से हम रुपए में भारी गिरावट देख रहे थे, लेकिन इस हफ्ते रुपया थोड़ा सा मजबूत नजर आया। रुपया करीब 83.86 के आसपास की आज इसने क्लोजिंग दी है। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर। कमोडिटी बाजारों में सोने और चांदी में फिलहाल आंशिक गिरावट दिखाई दे रही है, जहां चांदी 85,000 के लेवल के नीचे फिलहाल ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं MCX पर क्रूड ऑयल अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं इंटरनेशनल बाजारों में क्रूड ऑयल में हल्की गिरावट फिलहाल दिखाई दे रही है। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। दोस्तों, आज हम आपसे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। ये स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने उस उम्र से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। जी हाँ, 6 साल की उम्र में जब भी इनको कोई गिफ्ट मिलता था तो ये इस वो जो गिफ्ट था उसको अपने पड़ोसियों को बेच करके मुनाफा कमाते थे। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला शेयर 11 साल की उम्र में खरीदा था, और आज उनकी जो इन्वेस्टमेंट फर्म है वो $1 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस कर चुकी है। जी हाँ, ये दुनिया की पहली नॉन टेक फर्म है जिसने कि $1 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है। और इनका एक ही इन्वेस्टमेंट मंत्रा है, और वो मंत्रा ये है कि कभी भी अपनी हार्ड अर्न मनी को तिजोरी में छुपा करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम एक अपना नया पैरेलल जो इन्वेस्टमेंट सोर्स है, नया पैरेलल इनकम ग्रुप है, उसको हम बना सके। अब आप इस व्यक्ति को पहचान तो गए ही होंगे। इनका नाम है वॉरेन बफेट, और आज ये अपना बर्थडे मना रहे हैं। आज वॉरेन बफेट 94 इयर्स के हो गए हैं, और इस उम्र में भी ये पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, पूरी तरह से एक्टिव है, और अपनी इन्वेस्टमेंट फंड संभाल रहे हैं। तो आपने
वॉरेन बफेट की लाइफ से क्या सीखा आपके लिए, ऐसी कौन सी उनकी बातें हैं जो आपके लिए इंस्पिरेशन है, प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज लाइव। नमस्कार।